विकास की बात होने के बाद भी वार्ड क्रमांक 3 के रहवासी गंदगी में रहने को मजबूर है। यहाँ के वार्डवासी पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत की। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बिलहरी के वार्ड क्रमांक 3 की यहाँ के लोग आज भी पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रहवासियों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए बताया कि घरों का गंदा पानी बीच सड़क से होकर बहता है, जिसके कारण विगत 7-8 वर्षों से वार्ड क्रमांक 3 में गली में कीचड़ बना रहता है। जबकि इस संबंध में सरपंच को कई बार मौखिक व शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया, लेकिन वार्ड क्रमांक 3 में गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही सीसी रोड निर्माण कार्य हो सका। जबकि इस गली से बहने वाला सारा गंदा पानी शिक्षा गारंटी शाला के सामने जाकर जमा हो जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा खतरा एवं असुविधा का कारण बन जाता है। इस गली में पंचायत द्वारा कभी भी साफ सफाई नहीं कराए जाने पर स्वच्छ भारत अभियान पर प्रधानमंत्री के सपनों पर पानी फेरा जा रहा है। पीड़ित वार्ड वासियों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द ही समस्या निराकरण की मांग की है। ग्राम पंचायत बलहजी का वार्ड नंबर 3 है, जिसमें खासकर यहाँ दो जाति रहती है, एक यादव एक चक्रवर्ती। लेकिन बलहरी के सरपंच गौरी शंकर गोस्वामी से कई बार आवेदन दिया गया कि यहाँ की रोड बनवाए। जिस प्रकार से यहाँ लोग जी रहे हैं, आप ही देख सकते हैं जिस प्रकार की ये रोड है, यहाँ तो जानवरों से भी बदतर ये हालत है रोड की, इंसान के निकलने लायक तो आप छोड़िए। लेकिन बार बार वो कहता है कि यहाँ पे कुम्हार यादव रहते हैं, यहाँ की रोड नहीं बनवाया जाएगा। जबकि मैं खुद उप सरपंच हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने कई बार स्वयं बोला, लेकिन इस वार्ड को उसने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया जैसे इस वार्ड से उसको कोई मतलब न हो, जैसे ग्राम बलहरी का ये वार्ड ही ना हो और यहाँ काफ़ी लोग प्रताड़ित हों। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ आज 5-6 महीने से पानी की व्यवस्था तक नहीं है। यहाँ पर बकायदे बोर है लेकिन सरपंच के द्वारा कोई पानी की व्यवस्था नहीं। यहाँ पे दूर से तालाब से कहीं हैंडपंप से गंदा पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए यहाँ के लोग पीड़ित हैं। जिसके बाद भी सरपंच के कान में कोई आवाज़ तक नहीं पहुँच रही, ना वो कोई काम करवा रहा। और जबकि मोदी जी का सपना है कि हर घर, जिसके घर तक पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर पानी पहुँचा जाए, लेकिन यहाँ जहाँ पानी पहुँचता था वहाँ सरपंच के द्वारा उनसे पानी छीन ली गई। इसमें हमारे विधायक श्री सौरभ सिंह भी थे उस समय, उनने कहा कि बन जाएगी। और इस समय वर्तमान में गुड्डू पांडे जी भी हैं, उनने भी कहा बन जाएगी। सरपंच से हम कितने बार बोल चुके, उनने कोई मतलब हमारी बातों का ध्यान नहीं दिया। सरपंच क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो अब दोस्ता भावना, गरीब लोग यहाँ रहते, छोटी कास्ट के लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अधिकतर मतलब हम लोग की कोई सुनाई नहीं है, बड़े लोगों से दबा हुआ है ना। तो इस माध्यम से हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आपकी आवाज जो है कहाँ तक पहुँच सकती। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट।